हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूबेक आई एम वीरेंद्र सोनी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप कॉन्टेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो जीरो एक्सपीरियंस से या फिर आप कॉन्टेंट राइटिंग अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो जीरो लेवल से स्टार्ट करके पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्या स्किल्स होनी चाहिए ठीक है और क्या क्या चीज़ें मैटर करती है आपके कॉन्टेंट राइटिंग के करियर बनाने से पहले ठीक है और आगे आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है चार्जेस क्या रखना है आप या फिर फुल टाइम जॉब करना है तो कैसे कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं पूरा हम पाथवे जो है रोड मैप अगर पूरा डिस्कस करना हो तो उसको डिटेल में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ डिस्कस करते हैं तो पहली बात आता है फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज कंटेंट राइटिंग तो उसको समझते हैं कंटेंट राइटिंग बहुत सिंपल टर्म है और उसका मीनिंग भी बहुत ब्रॉड है लेकिन अगर एक लाइन में समझाऊँ कि जो भी चीज़ आप रिटर्न फॉर्म में पढ़ रहे हो आजकल चाहे गूगल पर जाकर आपने कुछ भी सर्च करा तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आई ओपन किया आपने कहीं ब्लॉग ओपन हुआ कहीं वेब पेजेस ओपन हुए वहाँ पर बहुत सारा कॉन्टेंट जो रीड कर रहे है वो कॉन्टेंट किसी कॉन्टेंट राइटर ने ही लिखा है आप मोबाइल में Amazon के ऐप ओपन करी आपने प्रोडक्ट्स ब्राउज कर रहे हो उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ वो है वो भी कॉन्टेंट है वो भी राइटर ने लिखा एक देन मान लेता हूँ कि आप क्रिक बज ओपन कर रहे हो मोबाइल का स्कोर देख रहे हो वहाँ पे कंटेंट आ रहा है कमेंट्री देख रहे हो वो भी आ रहा है कुछ न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया उसके बारे में पढ़ रहे हैं कुछ प्लेयर्स के बारे में इनफॉर्मेशन देख रहे हैं वो सारा कॉन्टेंट है ठीक है विकीपीडिया पर जो सारा कॉन्टेंट आज आज तक जितना भी देखा होगा आपने वे एक कॉन्टेंट राइटर ने लिखा है तो ये सब चीज़ें कॉन्टेंट राइटिंग में इंक्लूड होती है हमारी वेबसाइट पर जाओगे आप तो हर कोर्स का एक अलग पेज बना हुआ है उस पेज के ऊपर कॉन्टेंट है ठीक है देन ब्लॉग्स बने हुए आर्टिकल्स है जहाँ पे वो भी कॉन्टेंट है तो सारा कुछ जो काम है वही कॉन्टेंट आइटर नहीं करा होता है ठीक है ये डेफिनेशन क्लियर होगी कॉन्टेंट राइटिंग में बेस्ट चीज़ क्या है किसको हर कोई कर सकता है ऐसा नहीं है कि पहले ये था कि सिर्फ इंग्लिश आती है वही कर सकते हैं आजकल क्या होगा रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंटेंट चलने लग गया है मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी में भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं क्योंकि गूगल आजकल इंग्लिश कंटेंट के साथ हिंदी कंटेंट या फिर रीजनल कंटेंट है उसको भी प्रेफरेंस दे रहा है क्यों दे रहा है कि मान लो कि मैं YouTube ये जो वीडियोस बना रहा हूँ सारे अगर इंग्लिश में बनाऊँ तो मेरी आधी ऑडियंस है वो फिल्टर हो जाएगी जिनको इंग्लिश नहीं आती वो पढ़ेंगे ही नहीं और इंडिया में ऐसी बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जिनको इंग्लिश नहीं आती ठीक है या फिर अच्छे से इंग्लिश समझने में दिक्कत होगी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो इसी टाइप से जो रिटर्न फॉर्म में कॉन्टेंट है उसमें भी वो इशू आते हैं ठीक है इसलिए गूगल आजकल जैसे फॉर एक्जाम्पल इंडियन ऑडियंस को सर्च कर रही है तो प्रिफ्रेंस अगर हिंदी में कर रहा है कोई तो हिंदी कॉन्टेंट भी उसको दिखाना है और वहाँ पे वेबसाइट्स चाहिए वहाँ पे भी डिमांड बढ़ चुकी है आजकल ठीक है और सेकेंड चीज़ कि इसको हर कोई कर सकता है फॉर एग्जाम्पल आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी है तो ठीक है आप इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हो इसको आपको चाहे फुल टाइम जॉब की तरह करना है पार्ट टाइम करना है फिलानसिंग में लेकर के इसको चलना है आगे ठीक है आप हाउस वाइफ हो आपको वक्त और बैलेंस लाइफ सब कुछ मैनेज करना है और चाहते हो कि चार पाँच घंटे अपने काम में निकाल लूँ और फुल टाइम उसको नहीं करूँ तो भी इसको मैनेज कर सकते कॉन्टेंट राइटिंग एक फ्लेक्सिबल स्किल अलाउ करने वाली चीज़ भी है ठीक है इसलिए इसका यूनिक चीज़ यही है कि इसको हर कोई कर सकता है बट आपको काम करना होता है अपनी स्किल्स के ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत कोई आसान है टाइपिंग जैसा काम है वो चीज़ नहीं है आप में कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है ठीक है और उसके ऊपर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है तो आगे समझते हैं अपन कि स्टार्ट कैसे करना आपको क्या क्या आना चाहिए टूल्स की रिक्वायरमेंट क्या है और बाकी सब चीज़ें तो फर्स्ट थिंग है कि आपको कुछ स्किल्स टूल्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पता करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं पहले कि आपको जो कॉन्ट्रेनिंग करोगे तो ये रिसर्च वाली स्किल्स है वो आपके पास होनी चाहिए रिसर्च स्किल्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि टॉप टेन कॉन्टेंट राइटिंग टूल्स ठीक है तो आपको टॉप टेन टूल्स पहले पता करने पड़ेंगे कौन से हैं ठीक है तो आप क्या करोगे गूगल पर जाओगे यूट्यूब पर जाओगे रिसर्च करोगे कि कौन कौन से टूल्स आजकल डिमांड में है या फिर काम में आते हैं तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखोगे कि कौन कौन से टूल अच्छे हैं ठीक है उनको समझोगे कि ये टूल किस चीज़ का है दस टूल बता रहे हो तो कौन सा टूल किस काम में आता है कॉन्टेंट राइटिंग के अंदर तो सब रिसर्च करोगे दूसरी तरफ मैंने आपको नया टॉपिक और दिया ट्रेवल्स से जुड़ा फॉर एग्जाम्पल कि टॉप टेन प्लेसेस टू विजिट इन जयपुर ठीक है अब आप क्या करोगे अगर आपने जयपुर कभी घुमाई नहीं है कभी देखा ही नहीं है तो आप वहाँ पर रिसर्च करोगे कि टॉप टेन प्लेसेस कौन सी लिख सकते हैं कि हवा में लिखा आपने जल में लिखा आमेर फोर्ट लिखा नाहरगढ़ फोर्ट लिखा अब आप मान लेते हैं कि पाँच छः पता थी और दस पता करनी है तो रिसर्च करोगे अलग अलग साइट्स पर जाओगे पता चलेगा कि ये आर्टिकल्स में इन्होंने चीज़ें ये मैंशन करिए तो वहाँ से आपने एक अपना खुद का स्ट्रक्चर बनाया अपने वर्ड्स में उसको लिखना स्टार्ट किया तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसर्च की स्किल्स आपकी होनी चाहिए सेकेंड चीज़ जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म का मीनिंग अगर बताऊँगा सिंपल सा वर्ड में तो ये है कि आपने कहीं कॉन्टेंट कॉपी करा है ठीक है आप जैसे लिख रहे थे टॉप टेन प्लेसेस आपने नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में लिखना है तो आपने किसी और वेबसाइट पर जो लिखा हुआ था नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में उसको कॉपी पेस्ट कर लिया अपने कॉन्टेंट के अंदर तो क्या होगा प्लेजरिज्म का इशू आ जाएगा प्लेजरिज्म का इशू आने का मतलब आप कॉन्टेंटर हो ही नहीं क्योंकि कंटेंट में अगर जब प्लेजरिज्म है डुप्लीकेट कंटेंट है तो आप कह सकते हैं कि कॉपीराइट का इशू आ सकता है वहां पर जिस क्लाइंट के लिए आप लिख रहे हो उसको पता चला तो आपका प्रोजेक्ट हाथ से निकल सकता है ठीक है तो 100 परसेंट कॉन्टेंट यूनिक होना बहुत जरूरी है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है तो जब भी आप कॉन्टेंट लिखोगे उसको अपने वर्ड्स में कन्वे करो जैसे मैं आपको अगर मैं कुछ दस चीज़ बता रहा हूँ तो अगर मैं दस चीज़ बता रहा हूँ तो मेरा बोलने का तरीका मेरा प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा अगर वही दस चीज़ें आप बता रहे हो तो आपका अलग लिखा होगा तरीका प्रेजेंट करने का तो सेम चीज़ कॉन्टेंट राइटिंग भी मैटर करती है कि आप अपने वर्ड्स में अपने तरीके से कैसे मैसेज को या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उसको कन्वे करते हो ठीक है उसके लिए टूल्स भी आते हैं प्लेज चेक करने के लिए वो टूल्स के बारे में पता करना है प्लेजरिज्म रिसर्च इन सब से जुड़ा हुआ एक एक वीडियो मेरे इंडिविजुअल लेवल पे अपने प्लेलिस्ट में अच्छे से कंटेंट राइटिंग की प्ले है उसके अंदर सब कुछ वीडियोस अलग अलग लेवल पे डिटेल में बना रखें तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं थर्ड चीज़ है ग्रामर ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए क्योंकि क्या क्यों होता है कि अगर आप ग्रामर को ठीक नहीं रखोगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है ठीक है तो ग्रामर ठीक रखनी है इसके तो लिए आप ग्रामरली टूल यूज कर सकते हैं कि अगर आपको मान लो आपकी बेसिक ग्रामर है आपको लगता है कि मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे तो ग्रामरली आपको काफी सजेशन तो दे देता है जिससे आप अपने एरर्स को फिक्स कर पाते हो ठीक है फोर्थ चीज है एस के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हो आपको जरूरी नहीं कि एस यू के अंदर एक्सपर्ट बनो आप बेसिक आइडिया बेसिक आइडिया मतलब एस की फुल फॉर्म क्या होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कंटेंट लिखने का मोटिव होता है कंपनी का या फिर एक वेबसाइट का कि उसके ऊपर ज़्यादा से लो, ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आए फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो का अगर टाइटल रख दें वीडियो जीरो जीरो वन तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि, कि किस वीडियो किस बारे में है तो इसीलिए आपको एक अच्छा सा टाइटल बनाते हैं कि जो लोग सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपने आज आप सर्च किया होगा यूट्यूब पर जाकर कि हाउ टू बिकम ए कॉन्टेंट राइटर या फिर हाउ टू स्टार्ट कॉन्टेंट राइटिंग तो इस टाइप से जुड़े हमको वर्ड्स पता करने होते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं हमारे कॉन्टेंट को ढूंढने के लिए वो वर्ड्स को हम फिर अपने टाइटल में कॉन्टेंट में यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ बेसिक सा आइडिया होता है कि आपका जब कॉन्टेंट गूगल पर सर्च हो तो आपका कॉन्टेंट वहाँ पर पहले दिख जाए ठीक है ये कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा सा देन एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर करती है वो होती है आपके कॉन्टेंट रीडेबिलिटी मतलब कितना ईजी है कॉन्टेंट को आपके पढ़ के समझना यूजर के लिए जैसे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप कितना ईजिली एक्सप्लेन करूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए हर चीज़ को उसी टाइप से कॉन्टेंट में भी आपको एक करनी चीज़ होती है कि आपने से लिखी टॉप टेन प्लेसेस उसके ऊपर विदाउट कोई हेडिंग सब एडिंग के कंटेंट अगर एक ऐसे लिखते थे, थे स्कूल में वैसे लेकर लिख दिया तो क्या होगा कि समझ नहीं आएगा यूज़र को तो क्या करना है आपको हेडिंग्स बनानी है सब हेडिंग्स बनानी है सेंटेंसेज शॉर्ट रखना है पैराग्राफ शॉर्ट रखना है जैसे कि पढ़ने वाले को थोड़ा ईजिली समझ में आ जाए और इजिली पढ़ पाए उस चीज़ को तो रीडेबिलिटी बहुत मैटर करती है कॉन्टेंट के अंदर रीडेबिलिटी के ऊपर ही पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है मैंने वो लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं देन सेकंड पॉइंट है कि आपको एक नीच चूज़ करना है नीच चूज़ करने का मतलब क्या है कि आप किस डोमेन में अपना कॉन्टेंट अच्छा लिख सकते हो फॉर एक्जाम्पल आप ट्रेवल जब करना आपको ज़्यादा पसंद है तो ट्रैवल से जुड़ी चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हो आपको स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन जो भी स्पोर्ट है जिसको आपको अच्छा लगता है उससे जुड़ा आप अच्छा लिख सकते हो क्योंकि आप उसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप अच्छा से लिख पाओगे मोबाइल फोन गैजेट्स ये सब चीज़ें अच्छी लगती है तो उससे अच्छा आप लिख पाओगे कॉन्टेंट तो आपको कुछ नीच चूज़ करना ऐसे टेक्नोलॉजी हुआ डिजिटल मार्केटिंग हुआ यह अलग अलग नीच होते हैं हर नीच के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते ठीक है अगर मुझे आज बोलते हैं फाइनेंस के ऊपर कॉन्टेंट लिखो मैंने कभी लिखा ही नहीं है तो मैं अपना एक्सपर्टीज वाला कॉन्टेंट नहीं दे पाऊंगा अगर सेम ये वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक में मुझे एक नया टॉपिक मिले कि आपको एस के बारे में बताना है तो मैंने एस को भी यूज़ नहीं करा तो मैं उतने अच्छे से चीज़ें बता नहीं पाऊंगा रिसर्च करके मैं थोड़ा बहुत पढ़ के इन्फॉर्मेशन दे दूंगा लेकिन उस लेवल से नहीं समझा पाऊंगा जिससे आप एक्सपेक्टेशन है या फिर यूजर को समझ में इजीली आ पाए तो आपके नीच होना जरूरी है तो स्टार्टिंग में क्या करो आप दो तीन नीच चूज़ कर लो हर नीच के ऊपर कॉन्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको दो तीन चूज़ कर लो नीच से मान लो आपने ट्रैवल चूज कर लिया आपने टेक्नोलॉजी चूज कर लिया आपने एजुकेशन चूज़ कर लिया एजुकेशन में भी मान लो आपने स्कूल से जुड़ी कुछ पेरेंटिंग टिप्स दे दी ठीक है या फिर आपने कोई कॉम्पटिशन uh, एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के टिप्स दे दी आपने टाइम मैनेजमेंट के टिप्स दे दी स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हो अपने नीच के अंदर देन आपने नीच चूज़ कर लिए दो तीन या फिर एक भी चूज़ कर लिए तो भी ओके okay है अगर आपने दो तीन करे आपको लगता है कि ये दो तीन नीच मेरे बेस्ट इनमें मैं कंटेंट लिख सकता हूँ क्योंकि इनका नॉलेज है और मेरा इंटरेस्ट भी है ज़्यादा आपको करना है कि उन नीच से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स लिखना है सैम्पल्स के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है क्योंकि जब भी आपसे कोई कॉन्टेंट राइटिंग जॉब के लिए या फिर फ्रीलांसिंग में आप अप्लाई करोगे तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आपने क्या क्या लिखा है पहले से सैम्पल्स दिखाओ ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हम देख पाए आप कहीं भी जॉब अप्लाई करोगे तो आपसे सैम्पल्स पहले पूछा जाता है रेज्यू और इंटरव्यू से पहले भी आपसे सैम्पल के बारे में बात की जाती है ताकि वहाँ से डिसाइड कर पाए कि राइटिंग स्किल्स ठीक है तो फिर इंटरव्यू की प्रोसेस तक बढ़ते हैं तो आपको करना क्या है कुछ टॉपिक डिसाइड करने है मान लो आपने ट्रैवल चूज़ किया तो ट्रैवल से जुड़े कुछ टॉपिक्स निकाल लो उन टॉपिक्स पे कंटेंट राइटिंग करो मान लो आपने आठ सौ हज़ार वर्ड का एक आर्टिकल लिखा ऐसे करके कम से कम दस आर्टिकल आप लिख लो अपना एक पोर्टफोलियो सैंपल रेडी करने के लिए आपके पास रेडी हो जाएगा ठीक है देन पोर्टफोलियो आपके पास सैंपल स्टडी होने के बाद क्या करना है आपको रेज्यूम रेडी करना है रेज्यू फ्रीलांसिंग में आजकल कम लोग मांगते हैं क्योंकि आपका सैंपल और पोर्टफोलियो ज़्यादा मैटर करने लग गया है बट फुल टाइम जॉब भी देख रहे हो और कई फॉर फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसिंग में भी कर रहे हो तो कुछ 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 लोग आपसे रिज्यूमे भी मांग लेते हैं तो आपके पास होना चाहिए ऐसा नहीं कि मांगा और आपके पास है नहीं या फिर आप बनाने बैठ रहे हो तो आप क्या करो अपना एक सिंपल सा रेज्यू बनाओ एम एस वर्ड में टैंपलेट्स मिलती है आप वहाँ से बना सकते हो गूगल डॉक्स के अंदर आपको टैप्लेट्स मिलती है कैनवा अगर आपको प्रैक्टिस किया हुआ है आपने तो कैनवा के अंदर भी बनी बनी टैप्लेट्स मिलती है आपके अंदर बस कंटेंट कॉपी पेस्ट करना होता है और रेज्यूम आपका रेडी हो जाता है विद इन टेन ट्वेंटी मिनट देन जो सैम्पल बनाए उनको और अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है तो आप क्या कर सकते हो अपना एक खुद का ब्लॉग शुरू कर सकते हो ब्लॉग शुरू करोगे तो आपकी एक कैसे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाएगा मतलब अगर सौ लोग आज स्टार्ट कर रहे इस वीडियो को देख के और दस लोगों ने अपना ब्लॉग शुरू कर लिया तो वो नब्बे लोगों से थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे चल गए और ब्लॉग शुरू करने का ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक होस्टिंग खरीदो डोमेन खरीदो मैं कह रहा हूँ फ्री वाला ब्लॉग भी अगर शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो वर्ड के अंदर आपको फ्री ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट करने का जिससे मैं आप सिंपल अपना कॉन्टेंट डालो और पब्लिश कर सकते हो अपने नाम से सेकेंड मीडियम डॉट पे फ्री पब्लिशिंग आपको अलाउ करता है वहाँ पे अपना कंटेंट पब्लिश करो अपने नाम से हो जाएगा फिर क्या होगा पब्लिश होने के बाद ब्लॉग्स की लिंक्स होगी आपके पास पब्लिश आर्टिकल कहला जाएगा आपका आपका जो कंटेंट है वो पब्लिड आर्टिकल बन जाएगा मतलब फिर आप क्या कर सकते हो किसी को जब सैम्पल से नहीं लो तो आप वो लिंक भेज सकते हो कि ये हमारे लिंक्स है सैम्पल्स के आप देख सकते हो हमारा कॉन्टेंट यहाँ पर पब्लिश हो रखा है ठीक है तो ये आप एक क्विक अच्छा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दे देता है इस चीज़ में नेक्स्ट स्टेप है कि आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है उनमें से कहाँ कहाँ करनी है वो वो हम इंपॉर्टेंट जो आपके लिए मैटर करती है उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं फर्स्ट है लिंग क्योंकि लिंगड एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज़ है और इंप्लॉयज़ है और इम्प्लॉयज सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है अगर है पहले से तो उसको कॉन्टेंट राइटिंग प्रोफाइल से जुड़ा हुआ ऑप्टिमाइज़ करना है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या 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 हैं अपनी खुद की फोटो डालें वहाँ पे जहाँ पे हेडलाइन का ऑप्शन है वहाँ पे आप कंटेंट राइटर लिखे अपने नीच को भी मेंशन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कंटेंट राइटर हो स्पोर्ट्स राइटर हो टेक्निकल राइटर हो वहाँ पे मैंशन कर दो कवर फोटो लगा दो स्किल्स का सेक्शन है वहाँ पर भी अपनी राइटिंग कॉन्टेंट राइटिंग एस राइटिंग ये कुछ स्किल्स एड कर दो ठीक है बायो वगैरह है एक्सपीरियंस एजुकेशन है सब कुछ प्रोफाइल सेटअप कर लो मतलब ऑप्टिमाइज प्रोफाइल हो आपकी ठीक है जिससे कि कोई कोई सर्च कर रहा है कॉन्टेंट राइटर तो आपकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखे सेकेंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप क्या कर सकते हो अपने वहाँ पे बायो में मेंशन कर सकते हो कि आप कंटेंट राइटर हो जैसे कि आपने फेसबुक वाले भी जॉब सेक्शन आता है वहाँ पे भी डाल दिया आपने की वर्किंग एज ए कॉन्टेंट राइटर एट दिस कंपनी या फिर एज ए फ्रीलांसर ठीक है इससे क्या होगा कि आपकी जो कनेक्शन है फ्रेंड्स वगैरह उनको आइडिया रहेगा प्लस फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक आगे देखने वाले हैं थर्ड चीज़ कोरा कोरा एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑडियंस बहुत अच्छी है प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ट्राफिक है यूजर्स का तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाओ अपने नाम से फ्री में बनता है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखो अपने नीचे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कर रहा है कि कि आई फोन का लेटेस्ट रिव्यू क्या है आपके पास आई फोन फोर्टीन है उसका आपने रिव्यू लिख दिया इससे क्या होगा कि बहुत सारा आंसर करते रहोगे तो हे व्यूज मिलते हैं जैसे यूट्यूब वीडियोज पर व्यूज़ होते हैं कि इस वीडियो पर वन मिलियन व्यू है दस मिलियन व्यू है उसी टाइप से कोरा पे आंसर्स के भी व्यूज़ होते हैं कि आपके आंसर को कितने लोगों ने देखा है ठीक है इससे क्या होगा कि अगर आप रेगुलर मान लेते हैं कि रोज का एक आप 200-300 वर्ड का अच्छे से आंसर दे रहे हो किसी को और वैल्यू ऐड कर रहे हो तो व्यूज़ आएंगे और आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी जिससे ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल आपके एक महीने में पचास व्यूज़ हो गए और हो जाते हैं अगर आप दस आंसर दोगे आपको पता चलेगा कि कितने व्यूज आ सकते हैं आपको क्वेश्चन वगैरह भी ठीक पिक करने होते हैं जो आपको लगता है कि राइट आंसर दे सकता हूँ तो कोरा प्रोफाइल बिल्ड करोगे ये भी आपकी वैल्यू कह सकते हैं स्किल में प्लस आपकी ऑथेंटिसिटी में वैल्यू एड करेगी सब कुछ सेटअप कर लिया अब आपने क्या बनाया अपना एक बेस बनाया है क्वान्टेटिंग स्टार्ट करने का बेस स्टार्ट हुआ अभी तक आपने काम आपके पास कुछ भी नहीं आया है आपको पता करना है कि अब काम कैसे आएगा बेस रेडी करा हमने इतना सब कुछ होने के बाद आप शुरू करो फिर आपको क्या करना है पिचिंग स्टार्ट करनी है आपको क्लाइंट्स को वहाँ पे या फिर कंपनीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट करना है यहाँ पर अपनी आउट की स्टैटेजी स्टार्ट होती है तो उसके लिए क्या करो एक ईमेल मेल टेम्पलेट तैयार करो जिसके अंदर आप मैंशन करो कि आपके पास क्या स्किल्स है और आप क्या वैल्यू एड कर सकते हो उस कंपनी के लिए या फिर उस क्लाइंट के लिए ठीक है फिर आप क्या करो फर्स्ट थिंग करो कि फेसबुक पर ग्रुप्स होता है जो कॉन्टेंट राइटिंग से जुड़े होंगे आप सर्च करो ग्रुप्स से वाले सेक्शन में जाकर कॉन्टेंट राइटर या कॉन्टेंट राइटिंग तो इंडिया से जुड़े कुछ भी ग्रुप हो उनको ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो फॉर एक्जाम्पल आपने पाँच दस ग्रुप ज्वाइन कर लिए और उनमें क्या होगा कि जो लोग होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं किसी को भी कॉन्टेंट राइटर की जरूरत है वह रिक्वायरमेंट डालता है कि हमको एक फ्रेशर कॉन्टेंट राइटर चाहिए या फिर इस नीच का कॉन्टेंट राइटर चाहिए वहाँ पर आप उनको कनेक्शन जा सकते हो या फिर उनको मैसेज कर सकते हो कमेंट कर सकते हो कि आई कैन डू दिस ठीक है वहाँ से आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है देन लिंगडन पर भी ग्रुप्स होते हैं तो लिंकन पर भी ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करो जहाँ पे हायरिंग हो रही है या फिर फ्रीलान्स कॉन्ट्राइटर किसको रिक्वायरमेंट है ठीक है तो नेक्स्ट चीज़ होती है कि जो ब्लॉगर्स हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ ब्लॉग्स हैं जिन पर बहुत सारे व्यूज़ हैं या फिर बहुत सारा ट्राफिक है तो वहाँ पर उनको पता करो और अपनी नीच के उनको देखो जैसे फॉर एक्जाम्पल आप ट्रैवल का लिखो ट्रैवल ब्लॉगर्स है वहाँ पर पता करो और उनको मैसेज लिखो कि आप कॉन्टेंट राइटिंग करते हो क्योंकि ब्लॉगर्स को नीड होती है कंटेंट राइटर्स ठीक है तो वहाँ पर आप रीच आउट करो क्या पता किसी की नीड हो और आपको हायर कर ले ठीक है थर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ जो होती है उनके पास बहुत प्रोजेक्ट होते हैं एस के डिजिटल मार्केटिंग के जहाँ पर कॉन्टेंट राइटर्स का मस्ट है ठीक है तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ में तो वहाँ पर आप रीच आउट करो वहाँ पर अपना सी भेजो सैम्पल्स भेजो तो वहां से भी आपको फ्रीलांसिंग या फुल टाइम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नेक्स्ट और कहाँ से आपको मिल सकता है काम कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे फ्रीलांसिंग के आपको टास्क मिल सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हैं जहाँ से तो कुछ जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कॉन्टेंट राइटिंग से जुड़े ज्यादा बेस्ट कहने जाते हैं है, उन उनमें से है फाइबर अपवर्क फ्रीलांसर डॉट इन देन ट्रू आंसर भी एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो इन चार प्लेटफॉर्म्स में से एक दो प्लेटफॉर्म से फोकस करो सारे पे बना के करोगे तो आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा और खुद फर्स्टेड हो जाओ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जीरो से जब शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है बट एक बार मिल गया ना तो फ्लो बनेगा और इजीली आपको काम मिलना शुरू हो जाता है ठीक है तो आप स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर क्या कर सकते हो कुछ फ्री सैम्पल्स भी लिख सकते हो या फिर आपने रिव्यूज इन प्लेटफॉर्म्स भी होती है रिव्यूज होती है, है, है रेटिंग्स होती है कि आपने जो प्रोजेक्ट्स करे हैं उनको क्लाइंट का फीडबैक क्या मिला आउट ऑफ फाइव स्टार आपको फोर स्टार मिला है वन स्टार मिला है फाइव स्टार मिला है तो स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो कि रिव्यूज़ के एक्सचेंज में आप लिख सकते हो जैसे भी आपको दूसरे लोगों को आपके प्रोफाइल में लिख सकते फाइव स्टार रेटिंग्स इसके पाँच सात तो आपको काम मिलना और स्टार्ट हो जाएगा इजीली ठीक है तो यहाँ से भी एक आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हो जो भी हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर सबके क्या मिक्स ओपिनियंस है काफ़ी राइटर्स के भी जो बिजनेस प्रोफेशनल हैं उनके भी कि आप फ्री सैम्पल्स नहीं लिखने चाहिए आपको बट मुझे लगता है कि मैंने एज ए राइटर भी काम करके देखा अप्लाई करके भी दूसरी तरफ अब इंटरव्यू प्रोसेस में भी मेरा पार्ट हो जाता है तो एक होता है कि आपको फ़्री सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास पचास लोगों के रेज्यूमे आ गए ठीक है तो अब मुझे पचास से मान लेता हूँ तीन लोगों को लेना है तो मैं सैंपल और इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर हायरिंग होती है उसकी तो आप फर्स्ट चीज़ आती है सैंपल इंटरव्यू भी इंटरव्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टेंट राइटर्स के लिए सैंपल्स राइटिंग स्किल्स कैसी है वो एक प्रैक्टिकल चीज़ को देखना होता है मैंने सबको टॉपिक दिया अब सबको मैं पे नहीं कर सकता ठीक है फ्री सैंपल्स होना वहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि सबको पे किया और पचास लोगों को मैंने पे कर दिया उनमें से दो लोग ही मैं फाइनल कर पाया हूँ और बाकी का कॉन्टेंट मैं यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ तो वहाँ पर लॉस ऑफ मनी हो जाता है ठीक है तो बट एज ए कॉन्टेंट राइटर आपको भी तो सोचोगे कि मेरे एंड से भी तो लॉस हो गया मैंने भी एक sample आपके लिए फ्री में लिखा मेरे कुछ काम नहीं मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ उसको आप क्या कर सकते हो आपने जो लिखा फ्री सैम्पल उसको आप अपने अगर आपका अप्रूव नहीं होता है तो अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर दो कंटेंट आपके एक और सैंपल रेडी हो गया वहाँ पे ठीक है वैल्यू एड हो गया आपकी आपके टर्म्स में दूसरी चीज़ अगर आपको कोई फ्री सैम्पल लिखने को कह रहा है तो आप क्या कर सकते हो अपना जो सैप टॉपिक मिला आपको उस पर आर्टिकल लिखो अपने ब्लॉग पे पब्लिश करो और वो पब्लिश पुण लिंक आप एज अ सैम्पल उसको भेज दो कि ये रहा मेरा आर्टिकल लिखा हुआ मैंने इससे क्या होगा कि कोई ऐसा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है या फिर ऐसे ब्लॉगर्स भी होते हैं कि सबसे फ्री में लिखवाते लिखवाते रहते हैं और अपना यूज़ करते रहते हैं ठीक है तो वो चीज़ आप अवॉइड कर दोगे क्योंकि आपने पहले पब्लिश कर दिया है और आपका पहले कॉन्टेंट लिख दिया आपने तो पब्लिश आर्टिकल को पब्लिश वापस आगे करने के चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है ये चीज़ आप कर सकते हो देन ये सब कर लिया और आपको लगता है कि इसमें भी कुछ नहीं हो सकता या फिर मुश्किल है तो सबसे जो स्मूथ पाथ है कि आप फुल टाइम देख रहे हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो उस बेस्ट सबसे स्मूथ पाथ क्या होता है कि आप एक कोर्स कर लो ठीक है कॉन्टेंट राइटिंग अच्छा सा कोर्स जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखने को मिल जाती है क्योंकि आपकी स्किल पूरी रेडी हो जाती है दो तीन महीने का कोर्स के अंदर या फिर क्या कर सकते हो कोई इंटर्नशिप कर लो तीन चार महीने की इंटर्नशिप करो जिसके अंदर आप क्या करोगे किसी के अंडर काम करोगे तो आपको फीडबैक्स मिलेंगे ओपिनियंस मिलेंगे ठीक है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर बाकी जो इश्यूज़ होते हैं वो पता चलेंगे एसी का भी आइडिया होगा ठीक है या फिर आप फुल टाइम जॉब से स्टार्ट कर लो ठीक है फुल टाइम जॉब किसी कंपनी में स्टार्ट करो ठीक है आपने छः महीने साल भर एक जॉब करी तो आपको पूरा फ्लो का पता चल गया कि कॉन्टेंट राइटिंग में काम कैसा होता है कंपनी से एक्सपेक्टेशन क्या होती है या फिर फिलानसर में आपका काम कर रहे हो तो आपसे जो क्लाइंट है वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है सब कुछ अच्छे से प्रोसेस में आ जाती है प्लस आप दूसरी टीम्स के साथ भी काम करते हो कोऑर्डिनेशन होता है तो सब कुछ चीज़ें काम आती है आपके अगर ये फॉलो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो आप कॉन्टेंट राइटिंग में बहुत अच्छा एक करियर बना सकते हो या फिर अगर पार्ट टाइम देख रहे हो फुल टाइम देख रहे हो फ्रीलानसिंग देख रहे हो कैसे भी सोच रहे हो उसको हर वे से आप पिक कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको पता होना चाहिए कि प्लेजरिज्म क्या होता है टूल्स कैसे होते हैं ग्रामर आपके ठीक होनी चाहिए देन आपको नीश हर चीज़ में नीश में आपको नहीं घुसना है अपनी ऐसा मत बोले कि कोई भी नीश हो मैं टॉपिक दो मैं लिख दूंगा क्योंकि मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ कि जो सब कुछ लिख लेता है ना वो कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाता आप दो तीन नीश पिक करो अगर आपने बोल दिया कि मैं स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा लिख सकता हूँ और मुझसे अच्छा कोई लिख सकता तो अगर आपको विस्तृत लेवल तक पहुँचना है तो आपको नीश पिक करना ही होगा अगर मैंने भी अपने स्टार्टिंग से बोलता कि मुझसे कुछ भी लिखवा लो मैं लिख लूंगा नहीं मैंने अपने भी दो तीन नीच पे किए फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ा लिखवा लो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ा लिखवा लो तो इनमें तीन नीच में मैं अच्छा परफॉर्म कर परफॉर्म कर पाऊंगा अगर मुझे फाइनेंस पे लिखवाया मैंने आज तक फाइनेंस पर काम नहीं करा तो मैं फाइनेंस पर मैं रिसर्च करके भी लिखूंगा तो उतना अच्छा नहीं लिख पाऊंगा जितना एक जो फाइनेंस में नीच बनना चुका है उसका अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की उससे बेटर मैं नहीं लिख पाऊंगा ठीक है तो नीच चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है दिन आप सैंपल्स बनाते हो उसको अच्छे से बनाओ सीरियसली लेके बनाओ ऐसा नहीं बनाना है कि बस सैंपल्स बनाना एक प्रोसेस का पार्ट है टास्क कंप्लीशन की तरह नहीं देखना उसको सीरियसली बनाना है अपना बेस्ट दो सैंपल के अंदर प्लस जिसमें चेक करो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनको चेक करो ताकि सैंपल आप भेजोगे तो यही चीज़ें चेक करता है सामने वाला पर्सन कि आपके कॉन्टेंट में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी है यूनिक है कि नहीं है तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है पोर्टफोलियो बना लो देन ब्लॉग फ्री वाला स्टार्ट करोगे तो एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको मिल जाएगा तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है थैंक यू